वारशिवनी शहर के लिए करोड़ों रुपए विकास काम पर खर्च किए जा रहे हैं। शहर में हो रहे विकास के काम कछुआ गति से किए जा रहे हैं। इस वजह से यहां के नगरवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार ने इस रास्ते का काम करते हुए आधा अधूरा काम किया है, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जबकि बाजार चौक से गुजरने वाले रास्ते से हजारों छोटे बड़े वाहन चालक रोजाना गुजरते हैं। यहाँ का रास्ता कई दिनों से आधा अधूरा बनाने से यहाँ पर दुर्घटनाएं रोजाना हो रही है। वहीं यातायात जाम होने से वाद विवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन इस रास्ते पर वाहन चालक फिसल कर गिर कर घायल होने की घटनाएं आम बात हो गई है। यहाँ का रास्ता जल्द से जल्द बनाकर सुचारू रूप से यहाँ की यातायात शुरू करना आवश्यक होते हुए भी धीमी गति से किया जा रहा है। यहाँ काम करने वाली एजेंसी पिछले 6 महीने से रास्ते का काम कर रही है। जहाँ जगह जगह नाली के चैम्बर खुले पड़े हैं, वहीं रास्ते के किनारे आधा अधूरा काम किया गया है। जबकि यह रास्ते का काम 10 से 12 दिन में किया जा सकता था, मगर नगर पंचायत प्रशासन और ठेकेदार नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए मनचाहे तरीके से जब चाहा काम करना, जब चाहे बंद रखना, इस तरह का काम यहां पर किया जा रहा है। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। जबकि यहां से गुजरने वाले वाहन चालक, स्कूली बच्चे सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं, मगर इस रास्ते पर जहां तहां अव्यवस्था का आलम दिखाई दे रहा है। आधा अधूरा काम छोड़ने से ना तो वाहनों को जाने आने के लिए रास्ता बचा हुआ है, ना ही बच्चों, महिलाओं और नागरिकों के लिए किसी प्रकार की सुविधा यहां पर आने जाने के लिए नहीं की गई है, जिससे लोगों में नगर प्रशासन के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। यहां के लोक प्रतिनिधि भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देने से लोगों में लोक प्रतिनिधियों के खिलाफ खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। बीच रास्ते में बड़ी बड़ी सीमेंट की पाइली रखी हुई है, जहां पर वाहन चालक टकराकर बड़ा हादसा होकर इसमें जान जा सकती है। फिर भी प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी भी खुली आंखों से इस काम को देखते हैं, मगर यह काम जल्द से जल्द हो इसके लिए प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं। जबकि यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि ने तुरंत यहाँ का रास्ता बनाने के लिए आवाज बुलंद करना जरूरी था, मगर स्थानिक लोक प्रतिनिधि इस समस्या को देखकर जान कर भी अनजान बन रहे हैं। नगर पंचायत मुख्य अधिकारी, बांधकाम अभियंता, इन्होंने यहाँ पर काम का जायजा लेना जरूरी था, मगर इस ओर मुख्य अधिकारी, अभियंता, स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देने से आज नगरवासियों को इस मुसीबतों का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का आलम रहा तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होकर जनहानि होने की संभावना नागरिकों द्वारा जताई जा रही है। कछुए रफ्तार से यहाँ पर काम किया जा रहा है। बनाई जा रही सड़क के दोनों ओर पत्थर पड़े हैं, वहीं नाली के चैम्बर्स खुले छोड़े होने से वहाँ पर गिरने से जानलेवा घटना होने की आशंका जताई जा रही है। नगरवासियों ने नगर प्रशासन से मांग करते हुए नगर पंचायत प्रशासन को तुरंत यहाँ का आधा अधूरा काम पूरा करना जरूरी है और लोगों को राहत देना जरूरी है। इस तरह की मांग नगरवासी द्वारा की जा रही है। मात्र अतिक्रमण करतील दुकानदारांनी मोठ्या प्रमाणात आपली दुकान तोंड तोडली आणि रिफिल जटा खाली केली। पण मागील 6 महिने 4 महिन्यापासून या रस्त्याचं काम कासवगती सुरू असून सर्वत्र रेंगाळा ठेवलेला आहे। जिथं पाहाल तिथं कड्डे आहे, चेंबर्स आहे, कचरा आहे, डिक्की पडली आहे। त्यामुळे येणाऱ्या जणांना एवढा त्रास होतो की वादावादी होतात, अनेक वाहनचालक खाली पडतात, त्यामुळे अपघात होतो। अपघातातून भांडणं होतात, दुकानदारांचं एकमेकांसोबत भांडणं होतात, कारण की येथील रस्ता एवढा संकुलित करून ठेवला आहे तर ना जाता येत ना येत आहे। प्रशासनाने घाई केली होती या कामासाठी, तर हे काम लवकर लवकर का करण्यात आलं नाही? ठेकेदार असो हा आपल्या मनमर्जीने काम करतो आहे, त्यामुळे येथील लोकांना येण्याचा जो रस्ता होता तो आज नाही आहे असल्या प्रमाणात आहे। त्यामुळे लोकांना इथे त्रास होताना नगरपंचायत प्रशासन असो किंवा नगरसेवक असो किंवा इतर पदाधिकारी असो यांनी याबाबत आवाज उचलणे महत्त्वाचे होते की हा रस्ता वर्दळीचा असल्याने ह्या भागात लवकरात लवकर काम करणे आवश्यक असताना कोणीही या रस्त्याबाबत बोलायला तयार नाही अशी परिस्थिती येऊन ठेवलेली आहे। येणाऱ्या काळात भविष्यात जर इथे अपघात झाला आणि कोणाचा पाणी झाली तर मात्र उद्योग होण्यापासून कोणी वाचू शकणार नाही। त्यासाठी प्रशासनाने लवकरात लवकर या भागातील वाढवट काम पूर्ण करावे अशी मागणी पारशिवनीकरांच्या वतीने करण्यात येत आहे। मी रुपेश खंडारे, DCN न्यूज, पारशिवनी। पारशिवनी से BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।